हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो हिंदी, और ये है आपके लिए जनवरी लव एंड वर्क फोरकास्ट फॉर स्कॉर्पियोज। जी हाँ, अगर आपका सन साइन, राइजिंग साइन, मून साइन स्कॉर्पियो में है, ये रीडिंग आपके लिए है। जरूर मैजिक वेंस टेरो हिंदी को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट आवर वेबसाइट। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। क्रॉस वॉच कर सकते हो आप किसी, अगर आप स्कॉर्पियो को जानते हो क्रॉस वॉच कर सकते हो उनके लिए। फ्रेंड्स लेट अस सी क्या हो रहा है। थीम ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी फॉर स्कॉर्पियोज, लेट्स सी द लवर्स एंड द वर्ल्ड। बहुत ही अच्छी एनर्जी है स्कॉर्पियोज। आई फील आपका मेन जो थीम है इस मंथ वो है प्यार, मोहब्बत, कनेक्शंस, चॉइसेस, और बहुत सारा आई वुड से कि आपको बहुत सारी चीज, यू नो, एक आपको एक मूव फॉरवर्ड ग्रोथ मिल रही है, एक फॉरवर्ड मोमेंटम मिल रहा है, सक्सेस मिलने वाला है जनवरी में। आपको चॉइसेस मिलेंगे, ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपको ऑप्शंस नहीं थे लाइफ में, प्यार में, वर्क में, एजुकेशन में, वो ऑप्शंस या चॉइसेस या दरवाजे जो खुलते हैं वो अब आपके लिए खुलेंगे। ट्रैवल का भी चांस लग रहा है आप लोगों के लिए स्कॉर्पियोज इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो ट्रैवल करने का मौका मिलेगा आपको। और अगर आप लोग कहीं यू नो घर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, यस वो भी होगा। आपकी हेल्थ भी बेटर होगी इस मंथ फ्रेंड्स, तो हेल्थ पे भी काफ़ी आप लोगों का फोकस रहेगा। हेल्थ है, डाइट है, इन सब चीज़ों पे आपका काफ़ी हेल्दी रिलेशनशिप्स, यू नो ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, या आप सोच रहे हैं अपनी लाइफ में करने का इस मंथ, जैसे घर चेंज करने का, या मूव ऑन करने का, सिटी चेंज करने का, या ऐसी पार्टनरशिप्स अट्रैक्ट करने का जो आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग और फेथफुल, या यू नो अच्छी हो। ऐसे पर्सन्स आपको चाहिए जो स्ट्रांग हैं, परफेक्ट हैं आपके लिए। सो काफ़ी सारा ध्यान आपका जो है स्कॉर्पियोज़ वो अपने ऊपर है, और प्यार पे है, मोहब्बत पे है। व्हाट एल्स, आई थिंक आपको चॉइसेस बहुत रहेंगी फ्रेंड्स, चाहे प्यार, और ऐसा लग रहा है कोई आपको याद भी कर रहा है, या आप किसी को याद कर रहे हो, यू नो यू आर मिसिंग समवन इन जनवरी। चलिए देखते हैं लव लाइफ स्कॉर्पियोज की। वाओ, द नाइन ऑफ, टू ऑफ पेंटिकल्स फूल, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स स्कॉर्पियोज, हु इज कमिंग फॉर स्कॉर्पियोज इन जनवरी। किंग ऑफ वॉन्स एरीज लियो सैज पर्सन हो सकते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स टावर, ओ डियर गॉड, पेज ऑफ पेंटिकल्स स्कॉर्पियोज। आई थिंक आपको चॉइस है फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपको चॉइस है। ये देखिए टू ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स एंड द सिक्स ऑफ कप्स। वाओ फ्रेंड्स, आई डू फील आप किसी सोलमेट और ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, या आप कन्फ्यूज्ड हो कि ये पर्सन सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, ये कनेक्शन है क्या। आई डू फील आपके लिए दो लोग हैं फ्रेंड्स, या ऐसा लग रहा है, हो सकता है कोई नए पर्सन आ रहे हो। सो कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर है इस मंथ। चलिए देखते हैं स्टार्ट से क्या हो रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, जी हाँ, काफ़ी ये मंथ आपका जब स्टार्ट करोगे, आप बिजी हो, आप काफ़ी फोकस्ड हो अपनी लाइफ के ऊपर। ऑल्सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान प्यार पे नहीं है, वर्क पे ज़्यादा है, और अपने लिए एक नई शुरुआत क्रिएट करने में ज़्यादा है। आप अपने नई चीज़ें चाहते हो, करियर है, मनी है उसके अंदर, तो आपका फोकस उस चीज़ों पे है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, आई फील अगर आप किसी पार्टनरशिप में हो तो भी वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, बड़ा सब कुछ एकदम नॉर्मल या बोरिंग सा है। कुछ लोग हो सकता है स्कॉर्पियो सिंगल हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हो फ्रेंड्स फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, ओपन नहीं हो आप लव को लेके, और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन भी ज़्यादा ओपन नहीं है। जो सेकेंड वीक है वो ज़्यादा अच्छा वीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई एरीज लियो सैज पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, मैसेज करेंगे आपके वर्क या करियर से, हो सकते हैं या पुराने पर्सन हो सकते हैं। ये देखिए, ये आपको मैसेज करेंगे, आपके साथ वर्कआउट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, और आप बहुत सरप्राइज्ड होंगे कि ये अचानक से क्यों मैसेज कर रहे हैं आपको सेकेंड वीक के अंदर, और आप सोचेंगे कि क्यों, क्या हो रहा है, वाई इज़ दिस पर्सन मैसेजिंग मी। आई ऑल्सो फील कि आपको कन्फ्यूज़ रहेंगे आप कि ये क्या है, क्या जवाब दें। हो सकता है आपका मन करे आप उन्हें मैसेज करोगे इस पर्सन को, अगर आप इन्हें जानते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ये आपके, आप इन्हें मैसेज करोगे स्कॉर्पियोज, बट आपको लगेगा कि क्या मैसेज करें क्या नहीं करें। हो सकता है आप, मुझे लग रहा है ये करेंगे और आप कन्फ्यूज्ड होगे कि इनको क्या जवाब देना है।
मिड ऑफ द मंथ जो है स्कॉर्पियोज थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कोई टावर मूवमेंट या सडनली कोई चेंज आए आपकी रिलेशनशिप में। हो सकता है जैसे सब कुछ सेकेंड वीक में ठीक था, लेकिन हो सकता है अचानक से जो है आपको कोई ऐसा पता चले इस पर्सन के बारे में न्यूज़, या आप हो सकता है इस पर्सन से बात करना चाह रहे हो पर ये रिफ्यूज़ कर रहे हैं, भाग रहे हैं, यू नो। सो ये देखिए डिफेंसिवनेस की एनर्जी। लेट्स क्लैरिफाई द टावर, व्हाट विल हैपन इन द 3rd week of January। या फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हैं, या यू नो इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है किसी और के लिए। आई डू फील उसमें कुछ चेंज आने वाला है, या कुछ क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप अभी भी पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं तो आपको वहाँ से फ्रीडम मिलेगी मिड ऑफ द मंथ में स्कॉर्पियोज। आई डू फील के आप किसी कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो इस मंथ। तो दो लोग तो डेफिनेटली लग रहे हैं फ्रेंड्स, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट हैं, तो सोलमेट के साथ आपका रिश्ता ठीक होगा। ट्विन फ्लेम से आप शायद अलग हो जाओ इस मंथ, या आपको कुछ मेजर एक ऐसे कहते हैं ना अवेकनिंग आएगी अपने, या आपको या आपके पार्टनर को अपने रिलेशनशिप्स को लेके। एंड ऑफ जनवरी में चीज़ें बेहतर होंगी, आपका कनेक्शन बेहतर होगा, एक दूसरे की समझ जो है वो, प्यार जो है वो बढ़ेगा। सो डेफिनेटली आपको चॉइस मिलेगी। 8 of cups, आई डू फील फ्रेंड्स आप एक रिश्ते को छोड़ के दूसरे बेहतर रिश्ते में मूव करोगे, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा स्कॉर्पियोज। ये आपको प्रेशर जो थे लॉन्ग डिस्टेंस के, या जो पर्सन आपको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे थे, आपको उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। और ये 2 of cups जो है आपको बहुत अच्छा लगेगा, फ्रेंडशिप है, लव है, और ये आपके सोलमेट हैं 6 of cups। ये देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा इस पर्सन के साथ, एक रिलीफ मिलेगा कि फाइनली कुछ तो अच्छा हुआ लाइफ में। चलिए एडवाइस देखते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं। तो लेट्स सी द एडवाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ है स्कॉर्पियोज, एडवाइस फॉर स्कॉर्पियोज। चलिए देखते हैं, मैनिफेस्ट एंड द गिविंग एंड रिसीविंग। फ्रेंड्स, आई डू फील के आप लोग पॉजिटिव सोचें, कोशिश करें पॉजिटिव सोचने की इस मंथ, क्योंकि अगर आप चाह रहे हो नया पर्सन आपको मिलेंगे, अगर आप चाह रहे हो पुराने वापस आ जाएं होगा, अगर आप चाह रहे हो दोनों मिल जाएं वो भी होगा, अगर आप सोच रहे हो हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है टूट जाए वो भी पॉसिबल है फ्रेंड्स, तो बी केयरफुल। आई ऑल्सो फील के कुछ डेस्टाइंड है, जैसे आपने किसी को बहुत प्यार दिया बट वो आपको दे नहीं रहे थे प्यार, या रिजेक्ट कर रहे थे। अब आपकी लाइफ में जनवरी में ऐसे लोग आएंगे जो आपको उससे ज़्यादा प्यार कर सकें जितना यू नो आप करते हो। ऑल्सो कोई पास से आ रहे हैं सॉरी बोलने के लिए, सो गेट रेडी। ये देखिए ब्लॉसम, जी हाँ, आपके रिश्ते जो हैं और बेहतर होने वाले हैं स्कॉर्पियोज। ऑल्दो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद चीज़ें ठीक हो रही हैं, बट ये चीज़ें ठीक ज़रूर होंगी। चलिए वर्क और करियर देख लेते हैं आपका स्कॉर्पियोज। ओके, 3 of swords, आप खुश नहीं हो स्कॉर्पियोज अपने काम को लेके भी। द सन एंड द 7 of wands एंड टेम्परेंस एंड द 10 of pentacles, व्हाट इज दिस 3 of swords अबाउट? क्वीन ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, आई थिंक इमोशनली आप थोड़े से अपने वर्क से अनहैप्पी हो, या थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने वर्क में वो नहीं अचीव कर पा रहे जो आपको करना चाहिए, या जो आपको मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, सक्सेस है या मनी है, कुछ ऐसा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर लग रहा है। ये देखिए आप अपने वर्क को लेके थोड़े से नाखुश हो सकते हो स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी में, बट आई फील आपको जनवरी में काफ़ी सक्सेस मिलेगा, या जो सक्सेस मुझे ऐसा लग रहा है आपको, आप मेहनत बहुत कर रहे हो स्कॉर्पियोज पर आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिला है, तो आपने पेशेंस वेट बहुत किया लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। अब मुझे लग रहा है जनवरी में वो चीज़ आपको मिलेगी, और आपको जो है ये आपका जो दिल दुखा है उससे रिलीफ मिलेगा। आई फील आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, आप बहुत क्लोज हो स्कॉर्पियोज किसी अपने ड्रीम गोल्स को अचीव करने में। अगर आपको जॉब चाहिए आप बहुत क्लोज हो, ढूंढते रहो, गिव अप मत करो। ऑल्सो आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, बार बार आपको लग रहा है कि नहीं नहीं होगा, मन नहीं लगता इसमें पढ़ाई में, आप गिव अप मत करो फ्रेंड्स, करते रहो थोड़ी मेहनत। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप लोगों के पेरेंट्स वगैरह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, फैमिली है फ्रेंड्स है या, तो वो भी सपोर्ट करेंगे आपको जनवरी में। बिजनेस में आपको जो है पैसा भी मिलेगा, आप वर्क में भी पैसा मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इनहेरिटेंस वगैरह भी मिल सकती है, यू नो घर से पैसा आना या कोई
शादी आपका हो रहा है, कोई आपका जैसे शादी हो रही है, तो वहाँ से भी आपको पैसा या फाइनेंशियल सपोर्ट आ रहा है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको फैमिली के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू मिल पाएगा इस मंथ। टेम्परेंस, आई थिंक फ्रेंड्स आप काफ़ी इमोशनल हो अपने वर्क को लेके, करियर एजुकेशन को लेके, तो थोड़ा सा बैलेंस में रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप बहुत इमोशनल हो तो आपको दुखी, आप दुखी रहोगे, आपको एनजाइटी हो सकती है। अगर आप बैलेंस रहोगे तो आपको आप ये सन की एनर्जी बहुत जल्दी, ये सक्सेस तो आपके लिए है ही सही, तो आप क्यों परेशान हो। ऑल्सो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी फैमिली आपको हेल्प करेगी, जो कि अभी तक नहीं कर पा रही थी। शायद फाइनेंशियली आप सपोर्ट चाहते हैं उनसे, वो भी मिलेगा आपको। तो आप डिसअपॉइंटेड ना हो, आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी स्कॉर्पियोज। लेट अस सी सम एडवाइस स्कॉर्पियोज के लिए। एडवाइस, वाओ, चेंज योर फोकस, रिफ्यूजिंग टू सी टू ऑफ स्वॉर्ड्स, या मूविंग ऑन, ओ गॉड शाइन। आई थिंक फ्रेंड्स कुछ चेंजेस ज़रूर होंगे आपके लिए, या आपको करने हैं, आपको पता है। जैसे आप ज़्यादा हेल्थ को सीरियसली नहीं ले रहे, रिजेक्ट कर रहे हो अपनी हेल्थ को, या देख ही नहीं रहे हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको अपनी हेल्थ को इम्पॉर्टेंस देनी है। चेंज योर फोकस, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। ऑल्सो आप, हो सकता है आपको लगे कि मन नहीं लग रहा जिस काम में आप हो, या जिस एजुकेशन या करियर में हो, कि अरे यहाँ तो मन नहीं लगता, कहीं और चलते हैं, कुछ और करते हैं। तो आई थिंक मेन एनर्जी ये है कि आप अपना काम छोड़ने के बजाय कोई हॉलीडे ले आओ, मतलब हॉलीडे पे चले जाओ, या अपना रूटीन चेंज कर लो, वो बेहतर होगा, क्योंकि आपको सक्सेस मिलने वाला है। आप काफ़ी क्लोज हैं फ्रेंड्स, तो डोंट गिव अप, मैं तो आपसे यही कहूँगी। आप काफ़ी अचीव करने वाले हो, अभी गिव अप कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। सो या, ओ गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, आई विल टेक फ्यू ऑफ देम। लेट्स सी, ओके लेट्स सी। विंड चाइम, पीस एंड हार्मनी, जी हाँ, पीस आ रही है, हार्मनी आ रहा है आपके लिए। टॉर्टॉइस, स्लोली बट श्योरली यू आर गेटिंग अहेड, जी हाँ, धीरे धीरे, देखिए बिल्कुल परफेक्ट कार्ड है आपके लिए, चीज़ें ठीक हो रही हैं धीरे धीरे से ही। म्यूल, समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज, ये चेंज आपके लिए आसान नहीं होगा, क्यों नो, पॉजिटिविटी पे फोकस करना, बट आप करोगे तो अच्छा रहेगा। सक्सेस आ रहा है, बिल्कुल श्योरली आ रहा है। लायन, आप बहुत स्ट्रांग हैं, पावरफुल हैं, स्ट्रेंथ कार्ड, आपके हेल्थ इशूज़ रिजॉल्व होंगे। मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन, शील्ड, डिफेंड योर सेल्फ, आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं फ्रेंड्स, भले ही आपको लगे ना लगे, यू आर वेरी प्रोटेक्टेड। रोज, रोमांस इज इन द एयर। लेग, स्टेपिंग इन टू अ न्यू एक्सपीरियंस, जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ नया ज़रूर शुरू हो सकता है आपके लिए, कोई प्रोजेक्ट है, कोई करियर है, या आप, हो सकता है कोई नई क्लास वगैरह ज्वाइन कर लें, या आप खुद पढ़ाने लग जाएँ। टीपॉट्स, डीप फ्रेंडशिप्स आर कमिंग, फ्रेंडशिप्स इंपॉर्टेंट हैं इस मंथ। करियर, करियर पे आपका बहुत फोकस है स्कॉर्पियोज, इनफैक्ट लव से ज़्यादा फोकस करियर पे है। हैप्पीनेस आपको मिलेगी फ्रेंड्स, रोमांस, हैप्पीनेस, सक्सेस, सब कुछ मिलेगा इस मंथ। थोड़ा सा वेट कर लो, गिव अप मत करो, और जनवरी अच्छा हो। मैजिक वेंस टेरो हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो। अभी के लिए इतना ही, बाय फॉर नाउ।